जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज। हम टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे पास दो टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, एक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज। जो हम अब टाइप्स पढ़ रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस टिश्यू, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एनिमल्स में ये क्या करती है, कनेक्शन का काम करती है। हम लिख लेते हैं कनेक्शन का काम क्या है, आपस में चीजों को कोऑर्डिनेट रखती है, जोड़े रखती है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यूज का काम है बॉडी के पार्ट्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, ये जो होता है मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यहां हम लिख लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये टिश्यूज जो हैं, टिश्यूज हम जानते हैं कि जो बहुत सारे सेल मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनते हैं। ठीक है, अब जो ये वाले टिश्यूज हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये टिश्यूज जो हैं ये हमारे पास मोस्टली सॉफ्ट बॉडी के पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है यहाँ हम लिख लेते हैं। पहले हमारे पास एंड ऑफ बोन्स, जो हमारी बोन्स हैं उनके एंड्स पे पाए जाते हैं, ये आपस में बोन्स को जोड़ते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं एंड ऑफ बोन्स में पाए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एयर, जो हमारा कान है वो सॉफ्ट सा पार्ट होता है, उसमें पाया जाता है, ये उसके बाहर वाली साइड पे। ठीक है, नोज की जो हमारे पास सॉफ्ट बोन है जो कि मूव कर सकती है वो नोज में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ट्रैकिया है, जो हमारी सांस की नाली है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉफ्ट सा पार्ट होता है, हम लिख लेते हैं ट्रैकिया। और ब्लड सेल्स, ठीक है, जो सर हमारा ब्लड है, ब्लड टिश्यूज मिलकर जो आपस में कनेक्शन पैदा करता है उसमें। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं ब्लड है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड सेल्स की टिश्यूज की डायग्राम देखेंगे। ठीक है, लेबल डायग्राम देखेंगे कि ब्लड टिश्यूज कैसे हमें नजर आते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई, हमारे पास जो है ये लेबल डायग्राम है ये ब्लड टिश्यूज की। ठीक है, अब ब्लड टिश्यूज को हम देख रहे हैं, आपको ये जो स्मॉल सर्कुलर टाइप सेल्स नजर आ रहे हैं ये सारे ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है जो कि इन सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ये ब्लड टिश्यूज बनाते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बोन्स के टिश्यूज कैसे होते हैं। जी, ये हमारे पास डायग्राम है बोन टिश्यूज की, जो एंड्स ऑफ बोन पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नजर आ रही है आपको, इसके ये बोन का जो बाहर वाला पार्ट है ये हार्ड पार्ट होता है, ये सेंटर में आपको ये नजर आ रही है डॉट डॉट से, ये सारे जो टिश्यू सेल्स हैं बोन के वो मिलकर बोन टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपस में बोन्स को आपस में जोड़ने का और ये ब्लड के टिश्यूज हैं इनको जोड़ने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कहाँ पर ये टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। जी, इसके अलावा हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यूज में, जो कि लिपिड्स की लेयर होती है स्किन के नीचे मोस्टली प्रेजेंट होती है। ये आपको नजर आ रही है डायग्राम, ये एडिपोज टिश्यूज की डायग्राम है। इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, अब एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं एडिपोज टिश्यूज। ये मोस्टली फैटी लेयर होती है। ठीक है, और ये फैटी लेयर क्या करती है, ये हमारे अंदर वाले पार्ट्स की, जो हमारे अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत करती है। हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किडनी है। ठीक है, किडनी के बाहर एडिपोज टिश्यूज की कवरिंग होती है, जैसे शॉक से बचाती है, उसकी हिफाजत करती है। स्किन के नीचे बहुत ज्यादा इसकी लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एबडोमन में जो हमारे जो सेंट्रल पेट का पार्ट है जिसमें बहुत से ऑर्गन्स होते हैं उसकी सारी उसको शॉक से बचाती है, उसकी हिफाजत करती है। एबडोमन में भी एडिपोज की बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। ठीक है, हम यहाँ एबडोमन की स्पेलिंग ठीक लेते हैं, एब्डोमेन। ठीक है, ये अब इसका फंक्शन क्या है, ये करती है हमारी जो इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है उसको कनेक्ट कनेक्ट करती है आपस में। ठीक है, कनेक्शन इसका काम है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका काम है सपोर्ट द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑर्गन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यहां हम लिख लेते हैं सपोर्ट ऑर्गन्स, यहां सपोर्ट ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमने अभी देखे हैं, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसकी हमने डिफरेंट टाइप्स देखी, डिफरेंट डायग्राम्स भी देखी। अब हम नर्वस टिश्यू पे जाते हैं, नर्वस टिश्यू का क्या काम है, वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं। जी, हमारे पास अब नर्वस टिश्यू आते हैं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये हमारे पास नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं। नर्व सेल्स को जो है हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम पाया जाता है उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, जिस तरह हमारे हम अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, सेलफोन यूज करते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो बॉडी के तमाम पार्ट्स को आपस में जोड़े रखता है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो उसके लिए जो चीजें या जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, नर्व सेल्स आपस पे मिलकर जो है क्या बनाएंगे, नर्वस टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैसेज जो है पूरी बॉडी में, अगर हमारे हाथ पे कोई चीज ठंडा या गर्म लगता है तो मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, वो कैसे जाता है, ये जो नर्व सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये मैसेज को जो है ब्रेन तक लेकर जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये लेकर जाते हैं उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है,
नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक ऐसा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इम्पल्स हमने यहाँ लिख लिया। अब ये हमारे पास जो नर्वस टिश्यूज हैं इनकी शेप कैसी होती है हम जरा देख लेते हैं। जी, ये हमारे पास नर्वस टिश्यू की डायग्राम है। ये आपको बहुत सारे सेल्स नजर आ रहे हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। ये एक जो है ये इनमें से न्यूरॉन है। ठीक है, इसको हम लेबल कर लेते हैं। सिंपल एक सेल है ना, ये क्या है? न्यूरॉन है, जिसे हम नर्व सेल कहते हैं या नर्व टिश्यू कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं न्यूरॉन है, और ये सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर नर्वस टिश्यूज बनाते हैं और फिर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं सेंटर में, ये जो ये आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है इसका न्यूक्लियस होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं न्यूक्लियस है ये। ठीक है, तो ये अब नर्वस टिश्यूज हैं, इनका काम क्या है? कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये नर्व सेल्स जिससे से ये मिलकर बने हुए हैं, ये कहाँ कहाँ, आप जारी बात है, नर्वस टिश्यूज हैं कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, इनकी प्रेजेंस कहाँ है, हम यहाँ लिख लेते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ, इनके नंबरिंग वन बाय वन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेन में पाए जाएंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये नर्व जो कि मैसेज लेके बॉडी से, बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक लेकर जाती हैं, ये नर्व्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नर्वस टिश्यूज जो हैं, ये हमने आज जो है पढ़ा है नर्वस टिश्यू के बारे में, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स में, और नर्व सेल से ये मिलकर बने होते हैं। आज हमने दो टाइप्स के टिश्यूज पढ़े हैं, नर्वस टिश्यूज, और दूसरा हमने पढ़ा है जी कनेक्टिव टिश्यूज। इन दोनों का काम जो है वो कनेक्शन है। नर्वस टिश्यू का काम है बॉडी के पार्ट्स का जो मैसेज है ब्रेन तक पहुंचाना, और कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो सेल्स के जो बॉडी के पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनको आपस में जोड़े रखते हैं। इसमें हमने उसकी बहुत सी टाइप्स देखी, एडिपोज टिश्यूज देखे, बोन्स में देखे, और हमारे पास ब्लड में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो हमने देखे हैं। ये एनिमल्स के बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं।